नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी रेलवे की तरफ से एक बहुत ही बड़ा बयान आया है, और दोस्तों अभी आप लोग को पता है कि दुर्गा पूजा आने वाला है, साथ ही दोस्तों अक्टूबर ही महीना में आप लोग का दीपावली पर्व है और छठ भी पर्व है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दोस्तों रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया, और यह बहुत ही जरूरी था क्योंकि दोस्तों वेटिंग जो लिस्ट है, जैसे गाइस आप लोगों को पता है कि दीपावली और छठ एक ऐसा पर्व है जो लोग अपना गांव में, यानी कि जो लोग बाहर काम करते हैं, वो अपना घर आकर इस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हर लोग टिकट बुक कर रहे हैं, जहां पर वेटिंग की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इसको देखते हुए रेलवे की ओर से कुछ बड़ा बयान दिया गया और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सबको पूरी बात समझ में आ सके। तो चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि गाइस इस चैनल पर हमेशा रेलवे से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यात्रीगण के लिए रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ा खुशखबरी निकल के आया है। आप लोग भी आज का ये वीडियो यदि पूरा लास्ट तक देखते हैं, और यदि आप लोग भी घर जाना चाहते हैं, तो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से काफी अच्छा अपडेट मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को पता है कि कल से रामनवमी यानी कि दुर्गा पूजा का फर्स्ट दिन सोमवार को पहला हम लोग का दिन पड़ रहा है रामनवमी का, और कल से ही लोग अपना तैयारी करने लगेंगे। और इसी को देखते हुए दोस्तों कई सारे जो लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वह घर आना चाहते हैं, टिकट ना मिलने की वजह से फिर भी वेटिंग पे वेटिंग चढ़ा जा रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं, रेलवे इस चीज़ को देखते हुए अब ट्रेन की संख्या बढ़ाने वाली है। साथ ही दोस्तों अब जो ट्रेन है, कुछ मतलब नए ट्रेन भी मिल जाएंगे, और कुछ ट्रेन ऐसे हैं जिस पर बोगी की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि यह जो होने वाला है, यह लॉन्ग टर्म की, यानी कि जो मुंबई से, यदि मतलब कि मुंबई से जो ट्रेन खुलने वाली है, यानी कि जो जैसे साप्ताहिक हो गई, सुपर फास्ट ट्रेन हो गया, ऐसे ट्रेन के बोगी में संख्या को बढ़ाने का ऐलान किया गया है। साथ ही दोस्तों कई सारे नए ट्रेन भी आप सबको देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा अपडेट यही था दोस्तों कि जितने भी लोग का वेटिंग था, वह लगभग समझिए 60% उनका टिकट कंफर्म हो जाएगा यदि रेलवे ने ये चीज़ किया। और हम मुंबई, दिल्ली, कोलकाता से कितना वेटिंग लिस्ट पर चल रहा है, और अभी रेलवे को यह करना बहुत ही जरूरी है। या तो वह ट्रेन की बोगी की संख्या बढ़ा दे, या तो स्पेशल ट्रेन चलवा दे ताकि यात्री को सहूलियत हो और वह अपना घर आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों यही एक छोटा सा अपडेट मुझे आज सुबह प्राप्त हुआ था। तो मैंने अपने सब्सक्राइबर यानी कि जो हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, मैंने उनके लिए अब ये वीडियो बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि दोस्तों कई सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, और आप लोगों को पता है कि दीपावली पर्व एक ऐसा पर्व है, छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जहां पर लोग अपना फैमिली के साथ इस पर्व को मनाना चाहते हैं, जिसके लिए जो लोग कोई भी फेस्टिवल में घर आए या ना आए, लेकिन दीपावली और छठ एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर लोग बाहर से अपना घर आकर अपने फैमिली के साथ इस फेस्टिवल का एंजॉय लेते हैं। तो दोस्तों यही एक छोटा सा अपडेट था। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों बहुत जल्द मैं आप लोग को एक अपडेट ये भी दे दूंगा कि कौन कौन सी ट्रेन, कहाँ से ट्रेन नहीं चलने वाली, यानी कि स्पेशल के रूप में कौन कौन सी ट्रेन रेलवे की तरफ से चलेगी। साथ ही दोस्तों किस किस ट्रेन का बोगी बढ़ने वाला है, उसका भी अपडेट मैं आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से दे दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वह सारा अपडेट आप तक पहुंच सके कि स्पेशल ट्रेन कहां से चल रही है, किस ट्रेन में बोगी की संख्या बढ़ाई गई है। तो वह सारा अपडेट आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।